कितना बड़ा लुक सेंटर देना चाहिए, लुक सेंटर जी। नहीं, मैं इनको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जितनी फिल्में और वेब सीरीज मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसमें यही हीरो होते हैं। देखिए, एज अ वाइफ कहूँगी कि अपने मेरे हस्बैंड की फिल्म रिलीज़ हो रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया है। आशीष के किरदार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, तो मैं भी आज आपके जैसे ही आज पहली बार फिल्म देखने वाली हूँ। बेसिकली मैं एक ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, समीर सिद्दीकी का छोटा भाई जैसा दोस्त उसका। तो मेरा कैरेक्टर जो है वो ट्विस्ट लाता है मूवी में। बेसिकली समीर ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, मैं हूँ जो उसे भड़काता रहता हूँ पूरे टाइम में, और बाकी आप मूवी में देखेंगे। हिंदुत्व एक जीने का तरीका है, लोगों को लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में, वो एक जीने का तरीका है जो ये मूवी बहुत अच्छे से हमें बताएगी। जी सर, ये कलयुग है, उस टाइम पे जो जब ये बनाया गया था वो युग कुछ और था, कलयुग में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसका 1% भी कर ले तो हम बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि सोनालिका इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए। एंड फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि इट्स लाइक इट्स ऑन हिंदुत्व, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी होती हैं लोगों को पता चलनी, वो आपको इस फिल्म में पता चलेंगी। जैसे जो एक यूनिटी है, जो एक भाईचारा है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी सोनालिका बताएंगे। एब्सोल्युटली, वही अनअबैश्ड रियल क्रिटिक्स होते हैं और वही हमारे चीयर लीडर्स भी सबसे बड़े वही होते हैं। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस कि आज हम लोग सारे यहाँ पर हैं एंड वी वॉच द फिल्म। मैं बहुत ही जल्दी सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ यही है कि सोनालिका की फ़िल्म आई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस फिल्म को देखें, बहुत सारा प्यार दें जितना भी दे सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और आज आखिरकार यहां खड़े हैं। हमेशा खड़े, वो तो हमेशा ये खड़े हैं मेरे साथ, यही मेरा तीनों स्ट्रेंथ है। यही नहीं बल्कि दीपिका जी, अनूप जलोटा जी, गोविंद नामदेव, सब ये मेरा बल है। और बहुत बहुत मुश्किल वक्त से भी हम गुजरे हैं, लेकिन फिर भी इनका साथ मेरे मतलब दो बाजू चार बाजू बन गए। एक नई फिल्म है ये, एक नई फिल्म बनाई है हमने जो आज तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं करी। आपने ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और गट्स चाहिए ऐसी मूवी बनाने के लिए। तो मैंने जितने भी फ्रेंड्स, जहाँ से भी हमें रिव्यूज़ आ रहे हैं, यही आ रहे हैं कि ऐसा प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया, तो इस प्रयास के लिए एक बार मूवी तो देखनी बनती है। थैंक यू सो मच। और इस फिल्म की गीतकार मैं ही हूँ, सो आई एम सो हैप्पी कि आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है और आप सभी लोग मैंने इस बात का ध्यान रखा कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है, तो कोई भी शब्द ऐसा ना लिखूं जो भावनाओं के साथ इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और बाकी तो कहानी के हिसाब से लिखा गया है सब कुछ, तो कहानी बहुत अच्छी थी
और मैंने सारे गाने। नर्वसनेस तो कुछ नहीं है, फिर सारे लोगों के बीच में कैसे नर्वसनेस हो सकती है, एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। और आप देखिए हिंदुत्व कैसे राज करेगी सबके दिलों पर। सी एक्टर्स आर वेरी डाउन टू अर्थ, वंडरफुल एक्टर्स, और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इनफैक्ट कई बार तो रोना आ जाता है इनको देख के कि कैसे इतने कोऑपरेटिव हो सकते हैं। USP है, सच्चाई के साथ लिखी गई है, निर्दयता के साथ लिखी गई है, और तथ्य दिखाए हैं जो सही तथ्य हैं, जो बचपन से हम जीते आए हैं, जो सबको पता है वही दिखाया गया है। देखिए ऐसा है, हिंदुत्व जो है पहली बार किसी आदमी ने हिंदुत्व के ऊपर कोशिश करी है कि फिल्म बनाए, क्योंकि हमारा सेकुलर कंट्री भले ही है लेकिन हिंदू को हिंदू कहने में जो शर्म आती है, मैं समझता हूँ करण राजदान ने और हमारे सचिन चौधरी साहब ने इस फिल्म के ऊपर प्रोड्यूस किया है, लोग डर रहे थे कि कहीं ये हिंदुत्व कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि करण राजदान ने जिस तरह का हिंदुत्व का ट्रीटमेंट दिया है वो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, वो संदेश है। तो इतना बड़ा संदेश देना और उसको फिल्म में पिरोना, मैं समझता हूँ अपने आप में एक चुनौती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 7 अक्टूबर को सचिन जी के द्वारा प्रोड्यूस फिल्म हिंदुत्व को आप देखें और आप महसूस करें कि हिंदुत्व की जो असली दर्शन वो क्या है। हिंदुत्व का दर्शन है समावेश, रोम मिश्र मिट गए जहाँ से, मगर अब तक है हमारी हस्ती, हमारी कुछ बात है कि मिट्टी नहीं, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो हिंदुत्व जो है बहुत पुराना है, आदिकाल से चला रहा है, इसको कोई नहीं मिटा पाया। बेबिलियन, मेसोपोटामिया, इतने सिविलाइजेशन आए, सब चले गए, लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा है। उसका कारण ये है कि हम लोग किसी पे आक्रमण नहीं करते, हम प्रेम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं और मानवता की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब मानवता और राष्ट्रीयता, जो राष्ट्र के साथ है वो हिंदुत्व के साथ है, और जो राष्ट्र के खिलाफ है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा, तो उसको इस राष्ट्र में रहने का कोई